तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऑप्टिक फाइबर पर पूछा हुआ। ऑप्टिक फाइबर्स दो बेंट इन एनी मैनर अलाउज लाइट टू पास थ्रू, व्हाट इज द इन्फरेंस दैट वन कैन ड्रॉ फ्रॉम इट। तो पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ ऑप्टिक फाइबर्स, जिस तरह हमारे घर में जो बिजली के तार होते हैं, जो लीड वायर्स होते हैं, उनमें आप देखेंगे उसका क्रॉस सेक्शन, तो अंदर आप देखते हैं इस तरह से कॉपर के पतले पतले तार होते हैं, स्ट्रैंड्स, और इस कॉपर के तार पर प्लास्टिक का क्या होता है, इंसुलेशन, बाहर से प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है। ऐसा ही होता है ऑप्टिक फाइबर भी। ऑप्टिक फाइबर में अंदर किसी हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मटेरियल होता है और उसके ऊपर कोटिंग होती है किसी लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के मटेरियल की। ये जो अंदर वाला हिस्सा है इस ऑप्टिक फाइबर का, इसको कहते हैं कोर, और ये कहलाती है क्लैडिंग। और ऑप्टिक फाइबर में होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मालूम होगा कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। क्रिटिकल एंगल इस पेयर के लिए, कोर के मटेरियल और क्लैडिंग के मटेरियल के बीच जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा उससे तय होगा इस पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल। और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो TIR होगा। होगा क्या, यहाँ से लाइट सिग्नल्स यदि हम भेजेंगे तो इसकी वॉल से टकराएंगे ये सिग्नल्स, यहाँ तो होगा नॉर्मल रिफ्रेक्शन, यहाँ आने पर क्या होगा। जैसा मैंने कहा कोर है डेंसर और ये है रेयरर मीडियम, हो सकता है कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो 1.7 और क्लैडिंग का हो 1.5। तो ये लाइट रे जा रही है फ्रॉम अ डेंसर इनटू अ रेयरर मीडियम, और ये एंगल यदि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, TIR, ये रे वापस लौट आएगी और फिर से यहाँ क्या होगा, फिर से TIR, इस तरह ये रे यानी लाइट सिग्नल बाहर निकल ही आएगा, ये कितनी भी मुड़ी हुई क्यों ना हो। तो वही बात यहाँ कही हुई है, दो बेंट इन एनी मैनर अलाउज लाइट टू पास थ्रू, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एक एंड से भेजे हुए लाइट सिग्नल्स कई बार उनका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और लाइट दूसरे एंड से बाहर आ ही जाती है। आगे क्या स्टेटमेंट्स क्या बोले हुए हैं, द कॉन्सेप्ट दैट द लाइट रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ इज रॉन्ग। तो ये तो गलत बात लिखी हुई है, लाइट को हम स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता हुआ क्यों मानते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। वेवलेंथ कम होने की वजह से ये अप्रॉक्सीमेशन है दैट लाइट ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इसका ऑप्टिक फाइबर से कोई लेना देना नहीं है, लाइट कैन फ्लो थ्रू द ऑप्टिक फाइबर्स, ये भी गलत बात लिखी हुई है। फ्लो तो किसी लिक्विड का होता है या फ्लक्स का होगा, लाइट के लिए हम ये टर्म यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये भी इनकरेक्ट लिखा हुआ है। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू फाइबर्स बिकॉज ऑफ देयर डक्टाइलिटी, तो मेलिएबिलिटी डक्टाइलिटी से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, तीनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, लाइट रे कैन ट्रेवल थ्रू द फाइबर्स ड्यू टू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्टिकल फाइबर में कई बार TIR का फिनोमेना होता है, जैसे इस फिगर में हमने देखा 3 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर वो लाइट सिग्नल दूसरे एंड से बाहर निकल आया। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड, रे ऑफ लाइट व्हेन रिफ्रेक्टेड सफर्स चेंज इन वेलोसिटी। तो ये आपको मालूम है जब एक लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और इसी वजह से उसका पाथ भी चेंज हो जाता है। इन दिस कंटेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, तो अमंग दीज 4, 3 are wrong, एक कोई स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा। अपन बारी बारी से इनको चेक करेंगे। पहले मैं क्या बोला, वेलोसिटी इंक्रीजेज एज द रे पासेस फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी और आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा, ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, और हम क्या लिखेंगे, उसे लिखेंगे हम R μd, बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर इनटू डेंसर मीडियम, तो क्या निकल कर आएगा, R μd। और आपको पता होगा कि R μd के शेप में जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है तब वो हमेशा होता है ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जाम्पल A μg, जी इज ग्लास विच इज डेंसर, ए इज रेयरर मीडियम, A μg इज आपको मालूम ही होता है 3/2 ग्रेटर देन 1। इंस्टेड मैं आपसे पूछूंगा G μa, तो ये क्या है, ये है डेंसर, ये है रेयरर, मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, और ये होगा लेस देन 1, और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू होगी 2/3। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी,
mu g is a 3/2, g mu a will be 2/3, less than 1. तो जब भी refractive index g mu r के शेप में हो तो less than 1 होगा, और यदि वो r mu d के शेप में है तो greater than 1 होगा। तो पहले में वो कह रहे हैं कि रे पास हो रही है फ्रॉम रेरर इनटू डेंसर, मतलब r mu d निकल कर आएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आप जानते हैं कि r mu d को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इन r अपॉन वेलोसिटी इन d, और ये अभी बताया आपको ये कैसा है, ग्रेटर देन 1, और यदि ये ग्रेटर देन 1 है तो वी आर इज ऑल्सो ग्रेटर देन वी डी, तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी यहां लिखा हुआ इंक्रीजेस एज द रे पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, मतलब उल्टा लिखा हुआ है, जब रेयर से डेंसर में जाएगी लाइट तो उसकी वेलोसिटी तो डिक्रीज हो जाएगी, एंड सो स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। बी देखते हैं, अब क्या बोला है, रे पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर में क्या आएगा, डेंसर टू रेयरर तो आएगा डी म्यू आर, और डी म्यू आर कैसा होता है, ये होता है हमेशा लेस देन 1, इसको हम लिखेंगे वी डी बाई वी आर, और यदि ये लेस देन 1 है तो फिर से हमको क्या मिल रहा है, वी आर इज ग्रेटर देन वी डी बिकॉज दिस क्वांटिटी इज डी म्यू आर इज लेस देन 1, एंड सो वी डी इज स्मॉलर वी आर इज लार्जर। क्या लिखा है, वेलोसिटी फिर से लिखा है डिक्रीजेस एज द रे पासिस फ्रॉम डेंसर टू अ रेयरर मीडियम, तो डेंसर से रेयर में जाने पर तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जबकि यहां लिखा हुआ है डिक्रीज, एंड सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, वेलोसिटी डिक्रीजेस एज द रे पासिस फ्रॉम रेयरर टू अ डेंसर मीडियम, यही बात पूछी हुई है, डेंसर मीडियम में जाएगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑब्वियसली 4 इनकरेक्ट होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, ये बात गलत लिखी हुई है, वेलोसिटी डिपेंड करती है मीडियम के नेचर पर, किस किस बात पर, उसकी परमिटिविटी पर, उसकी परमिएबिलिटी, ये दो क्वांटिटीज डिसाइड करती हैं किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, जबकि यहां लिखा हुआ है डज नॉट, एंड सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग, तो फाइनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 फेज 2 में पूछा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, तो आंसर तो आपको मालूम है, ये कहलाता है डिस्पर्जन, जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है, तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, पर हम समझना चाह रहे हैं कि ये क्यों होता है डिस्पर्जन, तो आपको दूसरे भी क्वेश्चन इस बेसिस पर, इस थ्योरी पर बेस्ड बन जाएंगे। तो पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जब प्रिज्म से लाइट को हम पास करते हैं, अभी मैं बात कर रहा हूं मोनोक्रोमेटिक लाइट की, दिस इज नॉट व्हाइट लाइट, दिस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब सिंगल कलर सिंगल वेवलेंथ, जब इसको हम पास करेंगे तो क्या होगा, पहले रिफ्रेक्शन यहां पर होगा, अब जनरली ये ग्लास का बना होता है, एयर में इसको रखा होता है, यानी लाइट रे पास हो रही है फ्रॉम रेयरर इनटू डेंसर मीडियम, सो लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और फिर से यहाँ रिफ्रेक्शन होगा, अब जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर तो ऐसी नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, और ये इंसिडेंट रे कहलाती है, ये रिफ्रेक्टेड रे और ये एमरजेंट रे, अब एक्सटेंड करें इसे इंसिडेंट रे को आगे, फॉरवर्ड एक्सटेंड करें और एमरजेंट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करें, तो ये जो एंगल यहां फॉर्म हो रहा है बिटवीन एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड बैकवर्ड एक्सटेंडेड एमरजेंट रे, ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये कहलाता है एंगल ऑफ डिविएशन, और एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 टाइम्स ए, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अब आपको पता होगा कि म्यू लैम्डा पर डिपेंड करता है, कोशी फॉर्मूले से आप जानते होंगे म्यू इज ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा पावर 4, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, पर हमको तो इससे ये सीखना है कि म्यू एंड लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, म्यू एंड लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लूजली स्पीकिंग, और म्यू एंड लैम्डा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी हम क्या लिखेंगे, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा एंड म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बस यही डिस्पर्जन का रीजन है, क्योंकि व्हाइट लाइट में होते हैं 7 वेवलेंथ्स, आपको पता होगा VIBGYOR, और ये मैंने लिखा हुआ है वेवलेंथ के असेंडिंग ऑर्डर में, रेड की वेवलेंथ होती है मैक्सिमम और वायलेट की वेवलेंथ होती है मिनिमम,
तो अलग अलग क्योंकि वेवलेंथ है इसलिए अलग अलग म्यू है और इसलिए अलग अलग डेल्टा है, यानी अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग अमाउंट से डिविएट होगी। और क्या समझ में आ रहा है आपको, रेड की वेवलेंथ कैसी है? रेड की क्योंकि वेवलेंथ मैक्सिमम है और इसलिए उसका जो डिविएशन होगा वो डिविएशन होगा मिनिमम। और वायलेट की बात करें, ये सब हम सिर्फ दो इन की बात कर लेंगे एक्सट्रीम, बाकी सब की बात हो जाएगी। तो रेड का लैम्डा क्योंकि मैक्सिमम इसलिए रेड सबसे कम डिविएट होती है और यही रीजन है कि रेड कलर की लाइट ट्रैफिक लाइट्स में यूज होती है। रेड इज यूज्ड इन ट्रैफिक लाइट्स बिकॉज लैम्डा फॉर रेड इज मैक्सिमम एंड सो इट डिविएट्स मिनिमम, ये उसका रीजन है। वॉयलेट के लिए वेवलेंथ कैसी है? मिनिमम, और इसलिए सबसे ज्यादा डिविएट होगी वॉयलेट। यानी यदि अब इस प्रिज्म में से मैं व्हाइट लाइट पास कर दूं, अभी मैंने कौन सी लाइट पास की थी यहां से, मोनोक्रोमेटिक, तो इसका सिर्फ डिविएशन हुआ, डिस्पर्जन नहीं हुआ। इंस्टेड यहां से व्हाइट लाइट भेजेंगे तो अभी हमने सीखा क्या होगा, ये कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, कंस्टिट्यूएंट कलर्स में। और सबसे ज्यादा कौन डिविएट होगा? सबसे ज्यादा डिविएट होगा वॉयलेट और सबसे कम डिविएट होगा रेड। तो रेड के करस्पॉन्डिंग ये डेल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा वॉयलेट के करस्पॉन्डिंग डेल्टा, डेल्टा वी और डेल्टा आर। तो रेड आप देख रहे हैं सबसे कम डिविएट हुआ, बेस की तरफ कम बेंड हुआ, जबकि वॉयलेट बहुत ज्यादा बेंड हो गया है और यही डिस्पर्जन का रीजन है। तो डिस्पर्जन का रीजन क्या है? रीजन है अलग अलग वेवलेंथ, वेवलेंथ अलग अलग है इसलिए म्यू अलग अलग, और म्यू अलग अलग है इसलिए डेल्टा भी अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा डिविएट कौन सा होगा? वॉयलेट, यानी बेस की तरफ कौन मिलेगा, इसको रट लेना चाहिए, प्रिज्म के बेस साइड में कौन मिलेगा, वो मिलेगा वॉयलेट। और रेड कहाँ मिलेगा? रेड मिलेगा ऊपर, ऐसा याद कर लेना चाहिए। रेड का डिविएशन मिनिमम, वॉयलेट का डिविएशन मैक्सिमम। तो ये डिस्पर्जन का कॉज हुआ, कॉज बिहाइंड द फिनोमेना डिस्पर्जन। और ये फिनोमेना क्या है? व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इंटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन पास्ड थ्रू अ प्रिज्म।